वेलकम करोड़ नर्सिंग को आज गोटे नुआ क्लास को आपमन को समस्त वेलकम आपन जानते कि 4003 ट्रिपल एससी नर्सिंग अफिसर पर जोरदार क्लास स्टार्ट हो जाए आपने नुआ अच्छा वीडियो को फर्स्ट टाइम देखुं देन वीडियो शुभ जहाँ प्रति क्लास लिंक अच्छी आपर प्रिवियस इयर कौ टाइप क्वेश्चन आसाला तार राइट आंसर कौन आई वर्ष कौ टाइप क्वेश्चन आसव तार राइट आंसर कौन ता सहित व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिखाई आपने मागणारे किसी भी आपको सब्सक्रिप्शन ना पड़ोनि विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन फिज आपने जॉइन हो जातु जिते भी क्लास आसमान डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंची जीव चलो स्टार्ट करवा आज वीडियो पूर्व क्लास गोटे क्वेश्चन थिला से क्वेश्चन कौन थिला द पोजीशन टू बी मेंटेन फॉर ए पेशेंट विथ इंक्रीज्ड आईसीपी अर्थात जदि गोटे पेसेंटर आईसीपी इनक्रीज होमें से पेसेंट को कौ पोजिशन देवा मुलरेडी पोजिशन रिगार्डिंग क्लास बनई आपने चाहूँ कहीं आपने जानते कि पोजिशन रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आसी जोटा कि मोस्ट प्रोबली एथर आसब तो से आपने जल्दी जल्दी जातु क्लास को देखु आखु ए क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम ऑप्शन ए अच्छी फाउलर्स पोजिशन ऑप्शन बी टेंडन ब्रोक पोजिशन ऑप्शन सी साइलिंग पोजिशन ऑप्शन डी सुपाइन पोजिशन आ राइट आंसर आपण मान गोटे ही हम से राइट आंसर टा कौन आसतु देखा ता पूर्व आपण मानक कहीदे आईसीपी कौन बा इंट्राक्रानियल प्रेशर कौन ना आईसीपी कैन रिजल्ट फ्रॉम ब्लीडिंग इन द ब्रेन अर्थात जदि ब्रेन ने ब्लीडिंग है ए ट्यूमर जदि गोटे ट्यूमर है स्ट्रोक जदि गोटे स्ट्रोक है एनुरिज्म हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन इन्फेक्शन यही सब कारण जो आपंकर आईसीपी इनक्रीज करिथाय ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन लोयरिंग इनक्रीज्ड इंट्राक्रानियल प्रेशर अर्थात आपंकर ट्रीटमेंट फास्ट कौन रहा ना आप जो आईसीपी इनक्रीज करा कमी कमेगा बुझिपारे इनक्रीज्ड आईसीपी हाज ए सीरीयस कम्प्लिकेसन ए इनक्रीज्ड आईसीपी रो बहुत सीरीयस कम्प्लिकेसन अच्छी इनक्लूडिंग लॉन्ग टर्म और परमानेंट ब्रेन डैमेज और डेथ ए ब्रेन डैमेज और डेथ हो पारे बुझिपारे आसतु देखा विभिन्न टाइप आम पोजिशन कौन अच्छी ये देखी नि पोजिशन कौन सबू आमर केते प्रकार पोजिशन आम नर्सिंग इंटरवेंशन ने यूज करूँ कौन ना आपंकर ऑप्शन ए रही जो पूरी फाउलर्स पोजिशन आपज रु देखी नि फाउलर्स पोजिशन कौन हेड टिल्ट होरको देन लैटरल पोजिशन वन साइड आप कड़े शोबे लिथोडोमी पोजिशन देखूँ आपणकर जोटा कि ओजी केस यूज कराए रिवर्स टेंडन बर्ग पोजिशन देखूँ हेड ऊपरक लेग तलू रोटा कि आपंकर ओब्लिक वेकर रखते रिवर्स टेंडन बर्ग जोटा कि टेंडन बर्ग पोजिशन टोटाल उल्टा टेंडन बर्ग पोजिशन कौन ना हेड तलू रेग ऊपरक र सेटा ओब्लिक रहीत सुपाइन आपने जानते आपन जो पोजिशन शुंती सेटा होची सुपाइन पोजिशन सिम्स पोजिशन होची वन साइडेड जोटा को कहते सिम्स पोजिशन आ भितर आईसीपी रे आपणकर कौन करवाई पड़ो ना जिते जेहेतु आपणकर इंट्राक्रानियल प्रेशर इनक्रीज होती आपन को कौन करने पड़ो प्रेशर कमेपी पड़ो प्रेशर कमेपी कौ पोजिशन दरकार ये देखी नि प्रेशर कमेपी आमर कौ पोजिशन दरकार प्रेशर कमेपी इंटरवेंशन टू लोअर और स्टेबिलाइज आईसीपी इनक्लूड एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्रीज मन रखु आपणकर 30 डिग्रीज रे बेड एलिवेट हवा दरकार कौन पाई ना एलिवेटिंग हेड ऑफ द बेड बेड्र हेड टाक एलिवेट करेंगे जो साइड रे हेड अच्छी ता सहित आपणकर 30 डिग्री ना कि ऊपरक ना कि कम को यही केस जिनसटा मेन्टेन करेंगे आउ हेड एलिवेट करा मानने आपणकर बेड पोजिशन टाइम टाइप र बुझिपारे तो यहीटा कौ पोजिशन यहाँ हूँ फाउलर्स पोजिशन बुझिपारे फाउलर्स पोजिशन आमर ऑप्शन ए जोटा कि आपणकर राइट आंसर ये देखी नि फाउलर्स पोजिशन टा कौन ना ए बेड पोजिशन व्हेयर द हेड एंड ट्रंक आर रेस्ट टिपिकली बिटवीन 40 to 90 दिस पोजिशन इज ऑफन यूज टू पेसेंट हु हाव कार्डियक इश्यू ट्रबलिंग इन ब्रिथिंग और नाजोग्रास्टिक ट्यूब इन प्लेस बुझिपारे यही सब इटी कितु जो 40 to 90 देती आपन को सही डिग्रीटा केेन्टेन करने पड़ो 30 डिग्री मेन्टेन करवाई पड़ो कि पोजिशन ना कौन फाउलर्स पोजिशन आ राइट आंसर जी फास्ट राइट आंसर देखे सी होती आम रेगुलर व्यूअर आउ बहुत ही भल सब्सक्राइबर जड़े जे कि सबुदिन आउ मैक्सिमम टाइम राइट आंसर दौरान से होती एंटरटेनर बापी गत क्लास राइट आंसर देते कंग्राचुलेसन मोस्ट 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 कंग्राचुलेसन आपड़ो आपाई गोटे क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन आपड़ी राइट आंसर दौरान फास्ट दौरान देन आपंक नाम मुझे नेक्स्ट भिडियो आनाउंस करी चलो स्टार्ट करवा आज भिडियो
ता पूर्वर आपण मानक सो 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 मच थैंक यू कौन पे आप बहुत मात्रा रे सपोर्ट दौरान सिप्राणी परिडा जे कि 50 रुपीज सपोर्ट कर मैना राउत जे कि 100 रुपीज सपोर्ट कर थैंक यू सो मच मैना देन सुनील कुमार सुना जे कि 100 रुपीज सपोर्ट कर थैंक यू सुमन देन शंकारी विश्वास जे कि 50 रुपीज सपोर्ट कर थैंक यू शंकारी विश्वास देन संजय एक्सेस जे कि 100 रुपीज सपोर्ट कर बहुत मात्रा सपोर्ट कर बहुत खुशी लगुच आपण माने जदि भी ए चैनल को सपोर्ट करिया पई चाहौ छथि ओडिसा नर्सिंग सपोर्ट करिया पई चाहौ छथि आपण को चैनल को सपोर्ट करिया पई चाहौ छथि वीडियो रे आपण मानकर डिस्प्ले रे गोटे नंबर दिया है जोटा कि फोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर आपण माने आज पर योर कैपेसिटी आपण माने जहां भी चाहेबे आपण माने सपोर्ट कर परे जल्दी जल्दी जत्ते मात्रा रे आपण माने सपोर्ट करबे सेते मात्रा रे मु आपण पई नुआ नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो आनिया पई खोरा जोगेबी आपण मानकु थैंक यू सो मच बहुत मात्रा रे सपोर्ट करथिबारु चलो स्टार्ट करबा आज रे वीडियो ये देखु एक नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंटरेस्टिंग अच्छी आज क्लास टी बहुत इंटरेस्टिंग हाँपी जाऊँगी नोट पेन आपण मन रखी दिंतु जहाँ भी इंपोर्टेंट पॉइंट कहूँ सागे सांगे नोट करेंगे द नॉर्मल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक् टू बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग रेनल फेल्युअर इज आपण मैंने जानते कि रेनल फेल्युअर केस रे आपण मानकर प्रोटीन इंटेक् केते रहिबा दरकार आउ डाइट रे बहुत सारा कंट्रोल कर दिया जाए तो आपणकर क्वेश्चन कौन अच्छी आपंक कहीदेला रेनल फेल्युअर केस दिहाई से ही केस रे आपणकर नॉर्मल प्रोटीन इंटेक् पर डे गोटे दिन में प्रोटीन इंटेक् केते रहिबा दरकार ऑप्शन ए अच्छी 40-60 ग्राम पर डे ऑप्शन बी अच्छी 60-80 ग्राम पर डे ऑप्शन सी अच्छी 20-40 ग्राम पर डे ऑप्शन डी अच्छी 80-100 ग्राम पर डे मुझे कहीदेगी न्यूट्रिशन रु बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे आ बहुत सिंपल क्वेश्चन आसे आपण मैंने जहाँ को नजरअंदाज कर दिखती से ही क्वेश्चन आसो जोटा कि आपने भूल करके आसती तो ये छोटे छोटे जिनस को जो जो ट्रिक कहूँ से सब जिनस को मन रखुद नोट करके रखुद आसन देखा रईट आनसरटा कौन हम जदि जो मैंने जानते जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन कमेंट कर दिंतु ये देखनी आर आंसर कौन हम इन जनरल और सिकेडी स्टेज वन सिकेडी अर्थात क्रोनिक किडनी डिजीज जोटा कि रेनल फेल्युअर कहते स्टेज वन स्टेज टू द करेन्ट रेकमेंडेशन इज टू लिमिट डायट्री प्रोटीन टू नो मोर दैन 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट तो आपणकर बॉडी वेट जी मल्टीप्लाय हम कौन 0.8 ग्राम जी आपणकर कौन करक प्रोटीन इनटेक करेंगे मन रखु यहाँ कहूँ प्रोटीन फॉर एग्जांपल इफ योर आइडियल वेट इज 50 आईबीएस और 68 केजी योर प्रोटीन नीड्स आर 68 × 0.8 जोटा कि 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और लेस फॉर डे अर्थात ताठू कम खाए कहीं आपण मैंने प्रीवियस ईयर जो ओट रिप्लेस क्वेश्चन था से आपंकर पूरा क्लीयर कट देता जदि गोटे किडनी फेल्युअर पेसेंट अच्छा आम कौ डाएट दवा आपंकर हाई प्रोटीन रिच डाएट हाई कार्बोहाइड्रेट डाएट सीटारे आपंकर ऑप्शन था जोटा कि लो प्रोटीन डाएट एमती बुलेक आपको बहुत सारा क्वेश्चन पचारिपे आउ मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रिशन रु बहुत सिंपल क्वेश्चन आसे जोटा कि आपने जाणी भूल करती तो से आपँ मैंने जहाँ भी पढ़ुंट पूरा फंडा क्लीयर होगी जातु जो रिगार्डिंग जहाँ भी क्वेश्चन आसो आपने काल्कुलेट करेंगे सिचुएशनल क्वेश्चन में भी आसपे आपंकर बॉडी वेट जनकर 70 केजी देन सी प्रोटीन केते खाइबा दरकार 70 × 0.8 ठीक अच्छे आपन ताको मल्टीप्लाई करदे के 56 ग्राम जेहेतु 7×56 बुझिपारे यहीटा हूँ राइट आंसर तो आपण मानक कौन कहला ना जिते बड़े आपण मानक कहब कि जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट नोट कर रखे आ बारंबार से प्राक्ट करेंगे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम बढ़िया क्वेश्चन अच्छे आपण मानी गोटे साइकेट्रिक रिगार्डिंग वोल्टेज ऑफ करंट अप्लाइड फॉर ईसीटी प्रीवियस क्लास रे आपण मानक कहते कि कौटी आपणकर ईसीटी यूज कराए कि आज ये क्लास रे जानवा जे ईसीटी रा वोल्टेज नॉर्मल केते रहिबा दरकार ऑप्शन ए 35-75 वोल्ट्स ऑप्शन बी 75-100 वोल्ट्स ऑप्शन सी 75-120 वोल्ट्स ऑप्शन डी 100-150 वोल्ट्स आपण मानक कहीदेगी योरा को पूरा 2D पॉइंट आंसर आपण मैंने किसी भी गेस मारिपारे कि किसी आपने कि आ छड़ा आर आंसर कौन हम 2D पॉइंट आंसर आपड़ी जानते राइट आंसर जदि कमेंट सेक्शन कमेंट कर दिखाँ जदि जानना आसतु जाना राइट आंसर कौन हम आ प्रीवियस ईयर गोटे क्वेश्चन आसाला कि आपंकर ऑटोक्लेव्रे केते डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करा जाए तो से हीपरी पूरा डायरेक्ट 2D पॉइंट आंसर पचारिपे तो यही क्वेश्चन आंसर आपने प्रिपेयर रुहतु देखा राइट आंसर कौन हम ये देखो राइट आंसर टिपिकली 70-120 वोल्ट्स आर अप्लाइड एक्सटर्नली टू द पेशेंट्स हेड रिजल्टिंग इन अप्रोक्सीमेटली 800
milliamperes of direct current passing between the electrodes for a duration of 100 millisecond to 6 second either from the temple to temple bilateralicity from front to back of one side of the head jouta konti unilateral bujhi palle mona rakhantu it heuchi dui ta jinso important gote heuchi volt aa gote jinso heuchi kon na apanakar second 6 second mona rakhibe ei dui ta point note karki rakhantu next jiba next question 3 number question apan mona pai which of the following anti tuberculosis drug can damage the 8th cranial nerve आपण मानू क्वेश्चन टा बारंबार कही भलसे पढ़े अर्थात क्वेश्चन रा 50% आपणकर आंसर सॉल्व हो जाए कौन ना देखंतु जो फॉलोइंग रे आपणकर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स सब अच्छी कैन डैमेज द 8th क्रैनियल नर्व आपण माने जदि जानि नथेबे जे आपणकर 8th क्रैनियल नर्व काहाकू कहंती तार काम कौन आपण माने केबे भी जानि परिबे नि जे आर कहार साइड इफेक्ट सेतर अछि तो फास्ट आसंत जानिबा हमर क्रैनियल नर्व 8 नंबर रे किया सुछि ठीक अछि ये देखी नि पूरा फलसे नहीं आसी फास्ट रू आपण मानक गोटे बै गोटे मुझे कहूँ मन रखु नोट कर रखु जदि आपलरेडी ए रिगार्डिंग नोट करेंगे मोर आशा कहीं गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर केबे भी इग्नोर करें एक नंबर कौन ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व तार कौन ऑल्फैक्शन स्मेल ठीक अच्छे दुई रे कौन अच्छे ऑप्टिक सेंसरी जोटा कि विजन तीन नंबर ऑक्युलोमोटर मोटर सेंसरी जोटा कि सर्विस मसल आई देन ट्रोक्युलर अच्छी कौन सर्व द सुपेरियर ओब्लिक्योर आई मसल देन ट्राइजेमिनल अच्छी कौन सेंसरी फ्रॉम द फेस एंड माउथ मोटर मसल और मास्टिकेशन च्यूंग देन आसला कौन छः नंबर देखते एब्डुसेंस मोटर्स जोटा सी लैटरल लेट्रस आई मसल देन आसतु देखा सात नंबर आसला फेसियल मन रखिए सातटा इंपोर्टेंट मुदे दसटा इंपोर्टेंट है आपण मानक मन रखु सातटा हूँ फेसियल नर्व मोटर सेंसरी सर्व्स द मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन लैक्रिमल ग्लैंड एंड सालिवरी ग्लैंड ए रिगार्डिंग गोटे सेपरेट क्लास दरकार जोटा कि आपको पूरा बीट बाय बीट बुझापी पड़ो किंतु एत सर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे आपण मानन को क्वेश्चन जिते मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपण माने डिस्कशन करबा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेति पे मु आपण मानन को जल्दी जल्दी बुझौची देखंतु 8 नंबर एटा मन रखंतु हमर क्वेश्चन कोन थिला आपणकर ट्यूबर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जे कि आपणकर 8 नंबर क्रैनियल नर्व 8 नंबर क्रैनियल नर्व होची वेस्टिबुलो कोक्लियर जे कि जने सेंसोरी नर्व आपणकर रहिला नर्व देन तार काम कोन इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग मन रखंतु आर काम कौटी हियरिंग आउ इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करिवारे आसंतु देखिबा तार साइड इफेक्ट सब कौट रहिबो ता पूर्वपुर आपण माने एटी देखि नियंतु ऑप्शन कोन अछि ऑप्शन ए रहछि आइसोनियाजाइड ऑप्शन बी रहछि पारामिनोस सालिक्सिलिक एसिड तापर देखंतु इथाम्बुटल हाइड्रोक्लोराइड ऑप्शन डी रहछि स्ट्रेप्टोमाइसिन ए चारिटा को ड्रग आपण माने मन रखिबे ए चारिटा को साइड इफेक्ट यदि न जानिथिबे आर आंसर दे परिबे नाही आसंतु देखिबा गोटी गोटी जिंसर आपणकर साइड इफेक्ट कोन एडी देखंतु माइनर साइड इफेक्ट देखंतु कोन रिफामिसिन रो साइड इफेक्ट कोन आसीबो एनोरेक्सिया देन नजिया एब्डोमिनल पेन बुझि पाले देन जॉइंट पेन कहारो पाराजिनामाइड देन आइसोनियाजाइड कौन आस बर्निंग सेसेसन इन फिट आपणकर पादरे बर्निंग सेसेसन हबो देन रिफामिसिन रो आउ गोटे कौन आसीबो ऑरेंज और रेड कलर यूरीन एटा आपणकर देखिबे एटा मन रखंतु एटा नोट कर रखंतु ऑरेंज और रेड कलर यूरीन पई दाई किए रिफामिसिन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग मन रखिले देन देखंतु मेजर आसंतु मेजर रे आपणकर आसीला कौन आपणकर देछि 8th क्रैनियल नर्व 8th क्रैनियल नर्व काम कौन आपणकर इक्विलिब्रियम आउ रहिला कौन ना हियरिंग देखंतु एई सब ड्रग भितरे को ड्रग जे कि हियरिंग उपरे किंबा इक्विलिब्रियम उपरे इफेक्ट पकौछि स्ट्रेप्टोमाइसिन रिफामिसिन आइसोनियाजाइड तीनटा रे कौन आसला स्किन इचिंग हबो रैश हबो देन स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन आसला डीपनेस एटी देखंतु डीपनेस अर्थ कौन कानदोष जोटा कि आपणकर हेल्प करे किए आपणकर रहिला वेस्टिबुलो कोक्लियर जोटा कि आपणकर 8 नंबर क्रैनियल नर्व जोटा कि रहिला स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन अछि आंसर पाइगले आपण राइट आंसर कौन हम स्ट्रेप्टोमाइसिन आउ पर देखंतु इठ कोन आसिला स्ट्रेप्टोमाइसिन आउ कोन पई डिजीनेस जोटा भटाइगो जोटा कि इंबालेंस हुए आपण मानकर इक्विलिब्रियम मुंड बुलेइबो तापरे देखंतु आइसोनियाजाइड रिफामिसिन पारा पाइराजिनामाइड
ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲା ଜଣ୍ଡିସ୍, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜିନିଷର କ'ଣ ଆସିଲା, ଭୋମିଟିଂ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଇସୋନିଆଜିଡ୍, ରିଫାମେସିନ୍, ପାଇରାଜିନାମାଇଡ୍, ଦେନ୍ ଇଥାମ୍ବ୍ୟୁଟଲ୍ର କ'ଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ ଲସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଇଥାମ୍ବ୍ୟୁଟଲ୍ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଲସ୍। ଦେନ୍ ରିଫାମେସିନ୍ର ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ପର୍ପୁରା, ସକ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପୁରା। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ଡ ବାଏ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ରିପିଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବେ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଲା, ଏ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ଡିଜର୍ଡର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ଟା କେବେ ଦେଖାଯାଏ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରେକ୍ସନ୍, ସେ କାହା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ବାଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼୍ ରିପିଟେଡ଼୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମନା କରୁଥିବେ ତ କରନି, ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କରୁଥିବ, ତାକୁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକି ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ଟର୍ମରେ। ଅପସନ୍ ଏ ଫୋବିଆ। ଆପଣମାନେ ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫୋବିଆ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିବେ, ଫୋବିଆ ଅର୍ଥ ଡର, ଭୟ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଫୋବିଆ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେବ ବୋଲି, ହେବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ଅବସେସନ୍। ଅବସେସନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ୍ ମେହସୁସ୍ ହେବ, ଅଫସୋସ୍ ମେହସୁସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାମଟା, ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁଁ ପାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅବସେସନ୍। ତ ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି, ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ତ ଜିନିଷଟା ନୁହଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବସୋସ୍ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବସେସନ୍ କହନ୍ତି। ଦୁଇଟା ରହିଲା, ଗୋଟେ ରହିଲା ଅଟିଜିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା। ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ରଖିଛି, ତା ସହିତ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ରଖିଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଅଲ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ରେ ଲିମିଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଅଛି ସେଇ ଟର୍ମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ବୁଲେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟର୍ମର ଯଦି ମିନିଂ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକି ଆସିବେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ନା, ଆଣ୍ଡ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ରିଅଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ମେ ଲୁକ୍ ରିଅଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ରିଅଲ୍ ଭଳି, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଫେକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରାଫ୍ଟି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଫାଣ୍ଟାସି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଇମେଜ୍ର ଅଛି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ, ଏଇ ୱାଲ୍ର କଲର୍ ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ମିରର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଲର୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ପିଲାଟେ ଇନଭିଜିବୁଲ୍, କେବଳ ତା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ରିଅଲ୍ କି, ଏଇଟା ଫେକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନ୍ରିଅଲ୍ ଜିନିଷ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଟିଜିମ୍ କ'ଣ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଅଟିଜିମ୍ ମାନେ, ଅଟିଜିମ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡର୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ASD, ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡର୍, ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ୱିଥ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର୍। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲା ସିଏ, ସୋସିଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ହ୍ୟାମ୍ପର୍ କରିବ, ଅଟିଜିମ୍ରେ ହ୍ୟାମ୍ପର୍ କରିବ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଏ ୱାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ। ASD କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ମାଇନର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅର୍ ଏ ଡିଜାବିଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଡ୍ସ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କେୟାର୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଅଟିଜିମ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଇମେଜ୍ରେ ଟିକିଏ ଆହୁରି ଭଲସେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବା ଅଟିଜିମ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା, ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୁଆରେ ଦେଖାଗଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ଅଟିଜିମ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ସେ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିବ। ତା'ପରେ ପ୍ରିଫର୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଆଲୋନ୍, ଏକାକୀ ରହିବା ପାଇଁ, ଏକାକୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିବ। ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହୁଥିବ, ସେ କାହା ସହିତ ମିଶୁନଥିବ, କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନଥିବ, ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ସହିତ ଏନ୍ଗେଜ୍ ନଥିବ। ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ରୁଲର୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ସେ ନିଜେ ଏକା ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ଇଏରେ ଥିବ, ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଥିବ। ଦେନ୍ ଇନ୍ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ ସାଉଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସହିପାରୁନଥିବ, ସେ ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୋଇଯିବ। ସିଲ୍ପ
स्लीप प्रोब्लेम अर्थात से सोइबा पई मध्ये सटीक भाबे सोई पारु नथिबो जेतिकी गोटे पिला सोइबा कथा सेतिकी सोई पारु नथिबो देन नो आई फॉलोइंग अर्थात से कोन करिवो आपण मानुकु जहाँ भी कुहा जिवो से जिनस को फॉलो करिवो नाही आपणकर जहाँ मना करथिबे से जिनस करथिबो रिजेक्टिंग क्लूडल्स अर्थात आपण मानुकु जहाँ भी करथिबे जहाँ भी आपण माने कहुथिबे ताकु रिजेक्ट करथिबो डिलेड स्पीच डेवलपमेंट अर्थात जो जिनसटा कहुथिबो सेटा पूरा लेट रे कहुथिबो किंबा बहुत टाइम पर से कथबार्ता कर बुझिपारे यहीटा कहते ऑटिज्म रो साइन एंड सिम्टम यही जिनस रही आपंकर ऑटिज्म कहा जीवो क्वेश्चन जो अनुसार थिला आमर कम्युनिकेशन आउ सोशल इंटरेक्शन करने जोटा एग्नेस्ट करने तार राइट आंसर कौन हम ऑटिज्म नेक्स्ट जीवा ये देखी नि पांच नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी द मोस्ट कमन सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म इज अर्थात आपंकर हाइपरथायरॉइडिज्म रे सबुठू मोस्ट कमन आपणकर सिम्टम कौन देखाए अर्थात ऑप्शन ए अच्छी डायफोरोसिस ऑप्शन बी अच्छी ड्राई ब्रिटल हेयर ऑप्शन सी अच्छी मेनोरिजिया ऑप्शन डी अच्छी कोल्ड सेंसिटिविटी मन रखंतु एटा कौन कहिची हाइपरथायरॉइडिज्म जेतेबळे कि आपणकर अधिक थायरॉइड हार्मोन सिक्रेशन हुए हाइपरथायरॉइडिज्म हुए से केस रे आ भितर को सिम्टमटा देखाए डायफोरोसिस अर्थ एक्सेसिव स्वेटिंग डायफोरोसिस आपण माने जानिथिबे जदि जानि नाहाती नोट कर रखंतु डायफोरोसिस मीनिंग होउची एक्सेसिव स्वेटिंग आपण माने मन रखंतु हाइपरथायरॉइडिज्म रे कोनटा देखा जाए कोन देखा जाए नाही तापर ड्राई ब्रिटल हेयर मु आपण मानको एटी देखै दउची कोन देखंतु ड्राई ब्रिटल हेयर कोन आपण मानकर हेयर कोन हबो ना पूरा ड्राई हे जिवो जोटा कि पूरा स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर हे जिवो एटी माने देखंतु व्हाई इज माय हेयर सो ड्राई एंड ब्रिटल स्ट्रॉ लाइक हेयर इज ऑफन ए रिजल्ट कॉमन हेयर केयर ओवरसाइट अर्थात अनदेखा कले सच एज दिज यू जिनस कले देखा जाए यूजिंग ड्राई एंड स्टाइलिंग टूल्स आपण मैंने बेसी समय जदि हेयर ड्रायर यूज करेंगे किंबा स्टाइलिंग टूल्स जस्ट लाइक रूलिंग आईरन्स आपण मैंने स्ट्रेटिंग मशीन इलेक्ट्रिक रोलर फ्लैट आईरन दैट टू हाई हीट सेटिंग यूजिंग हीट बेस्ड ड्राइंग एंड स्टाइलिंग टूल्स टू फ्रिक्वेंटली आपण मानकर ए ड्राइंग बा ब्रिटल हेयर देखा जाए नॉट फॉर हाइपरथायरॉइडिज्म नेक्स्ट जीवा आपणकर एटी देखि नियंतु आपणकर डायफोरोसिस गला ड्राई एंड कुली हेयर गला देन आसला कौन मेनोरिजिया मेनोरिजिया कौन इनक्रीज्ड ब्लीडिंग मे अकर बट इन रेयर इन हाइपरथायरॉइडिज्म आपणकर हाइपरथायरॉइडिज्म रे एटा रेयर देखा जाए नॉट फॉर रेगुलर बेसिस नाउ अडेज हाइपरथायरॉइडिज्म इज डायग्नोस्ड अर्लियर दैन इट वांस वाज एंड सो क्लिनिकल पिक्चर इज जनरली माइल्डर सो मेंस्ट्रुअल डिजॉर्डर आर लेस कमन दैन इन प्रीवियस सीरीज अर्थात पूर्व जो अनुसार थिला एबे आउ से हिसाब रे नाही तो ऑप्शन आउ कोन बळी गला आपणकर रहिला कोन एटी देखंतु ऑप्शन भीतर आउ कोन रहिगला कोल्ड इंटॉलरेंस Cold intolerance is one of the symptoms of hyperthyroidism. You may find yourself constantly reaching for a sweater or turning off the heat. Even the through the others around you seems unbothered. Perhaps you are avoiding outdoor activities for fear of feeling uncomfortably cold. अर्थात आपण माने एक्सेसिव कोल्ड को सही पारिबे नाही मन रखंतु एक्सेसिव कोल्ड को सही पारिबे नाही आपण मानुकु बहुत कम पानी किंबा कम शीतरे मध्ये बेसी शीत लागिबो सेठी आपण माने बेसी कम कहिबे ना आपणकु गरम दरकार तो आपण माने मन रखंतु तो आपणकर कोन आला डायफोरोसिस कोन आला एक्सेसिव स्वेटिंग आपणकु जेतेबेळे ऑटोमेटिक आपणको बॉडी रे थायरॉइड हार्मोन सिक्रेशन अधिका होची तो आपण मानकर साइन सिम्टम कोन रहिबो आपणको बॉडी ऑटोमेटिक कोल्ड होई जइबो बेसी ठंडा लागिबो से ठंडा लागिले आपण माने भाबंतु कोन स्वेटिंग हुए कि हुए नाही तो डायफोरोसिस गला देन आपणकर कोन आसिला आपणकर आसिला ड्राई एंड स्ट्रेट हेयर तो आपण मानकर कौन पई हुए सेटा आपण मानकु देखै देली देन आसिला कौन मेनोरिजिया मेनोरिजिया को केस रे होउथिला एबे आउ होउ नाही तो आउ ऑप्शन कौन बळी पईला कोल्ड इंटॉलरेंस तो राइट आंसर हबो कौन कोल्ड इंटॉलरेंस कौन पई होबा आसंतु आउ कौन कौन सब साइन सिम्टम आसंतु देखिबा आपणकर हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म रे एठी देखंतु कौन हबो ना डिप्रेशन ब्रेन फॉग
फैटिक हम मसल क्रैम्प हम कोल्ड इंटरलैंड ये आपंकर देखेदेला कोल्ड इंटरलैंड देन देखु कौन आसा वेट गेन हम आपर ओजन बढ़ देन ड्राई स्किन आपंक स्किन ड्राई होब्विस्ली आपत दिन भी फिल करेंगे ये आप ड्राई स्किन हो जाए तो यहीटा नर्माल दिन में फिल करेंगे बर्षा दिन हूँ खरा दिन हूँ जब आप हाइपोथायरॉइडिज्म अच्छी हाइपोथायरॉइडिज्म अच्छी देन आपटा एक्सेसिव कोल्ड फिल करा कथा करेंगे। नेक्स्ट आसतु जावा मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ फेवरेट क्वेश्चन द आर्टरी व्हिच सप्लाई ब्लड टू हेड आपने समस्ते यार आंसर जानते जल्दी जानी ना जल्दी जल्दी वीडियो को देखु आपखीजिए राइट आंसर कौन जदि जो मैंने जानते जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन कमेंट कर दिखाँ ठीक अच्छे जदि जो मैंने चैनल नुआ अच्छा वीडियो को फास्ट टाइम देखुंत वीडियो इंटरेस्टिंग लगुच्छी वीडियो भल लगुच दे वीडियो गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ जदि सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ किसी भी आपको सब्सक्राइब करने देवाई पड़े ना मगणार गोटे सब्सक्राइब बटन कर क्लिक करने जमे भी कंजूस करूँ सबुदिन आपड़ो देखा चाहूँगी देन बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जमीक जितेबले भी जहाँ भी नोटिफिकेशन आसो सांगे सांगे आपखे आँचीज देखो ऑप्शन ए रण अच्छी कोरोनरी आर्टरी ऑप्शन बी रही कैरोटिड आर्टरी ऑप्शन सी रही मेजेंट्रिक आर्टरी ऑप्शन डी रही इंटरकोस्टल आर्टरी आर राइट आंसर कौन हम समस्ते बोलते जानते एव्री वन मोर आशा जदि जो मैंने जाणी जानते जमा व्यस्त हूँ आपँ देखी कौटा राइट आंसर हम जो मैंने जानते जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन कमेंट कर दिंतु देखिए कौन व्हिच आर्टरी सप्लाय ब्लड टू हेड आपण को मुंडु को ब्लड सप्लाय दिए से आर्टरी ना कौन देखिबा एटो गोटे इमेज अच्छी यूठ आपने सियोर होपणकर राइट आंसर कौन आसतु देखिबा राइट आंसर कौन आओटा ब्रांचेस ये देखु कौन दे राइट कमन कैरोटिड ये देखु ये आर मार्कटा कौटू स्टार्ट ये आर्टरीटा कौटी जा हेड को देखिपे हेड को जा तो आम कौन आंसर हम आपणकर कैरोटिड आर्टरी इज द राइट आंसर तापर देखु कौन अच्छी ऑप्शन ने आउ सब सप्लेवेन ना ब्राकियोसेफालिक ना ब्राकियोसेफालिक आपठी देखिपे आसला कौन लेफ्ट कमन कैरोटिड ये देखूँ जोटा कि ब्रेन को सप्लाई होती से राइट लेफ्ट किसी पचारे से पचार कैरोटिड आर्टरी तो आपंकर राइट आंसर हम कैरोटिड आर्टरी देन देखूँ कौन आसला कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी आपंकर सप्लाई करी देखूँ पूरा छोटा आकार हार्ट को ब्लड सप्लाई करुच्छे देन सिलियाक ट्रंक देखु तापरे सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी देखु किडनी पाखरे देन रेनाल गोनाडाल इनफेरियर मेजेंट्रिक कमन इलियाक आपण माने इमेज निजे कर दिंतु किंबा स्क्रीनशॉट नहीं जातु जोटा कि आपने मन रखिए कौ आर्टरी कौटिक सप्लाई होती मन रहा यहीटा मोस्ट इंपोर्टेंट एनाटॉमी उपरू भी बहुत क्वेश्चन आसे प्रीवियस ईयर गोटे क्वेश्चन आसाला कि आपंकर कौ आट्री कि कौ भेन आपंकर कौन कराए एंजियोप्लास्टी कराए बुझिपारे तो से ही रिगार्डिंग आपर एनाटॉमी नॉलेज थी दरकार कौ जगार आम कौ आट्री अच्छी तार आंसर आपर नेक्स्ट जी आपण मानी आसीगला क्वेश्चन ए क्वेश्चन जी भी राइट आंसर देते नेक्स्ट वीडियो ना अनाउंस कराव जे फास्ट राइट आंसर देते द डिजीज ट्रांसफर थ्रू कंटाक्ट इज कॉल्ड आपने जमा भी कन्फ्यूज हे ना कंटाक्ट कंटाक्ट द्वारा कौ डिजीज स्प्रेड करे आई डिजीज स्प्रेड जो हुए सहीटा को कौन कहती मेडिकल टर्म ऑप्शन ए कम्युनिकेबल डिजीज ऑप्शन बी इन्फेक्शियस डिजीज ऑप्शन सी एपिडेमिक डिजीज ऑप्शन डी कंटाजियस डिजीज जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु जी भी राइट आंसर देते नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करी। नेक्स्ट जी आठ नंबर देखु आठ नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच साइन इज प्रेजेंट इफ ए पेसेंट इज एक्सपीरियंसिंग हेपाटिक कुमा जदि गोटे पेसेंट हेपाटिक कुमार अच्छी आ भितर कौ जिनसटा सी एक्सपीरियंस कर बुझिपारे हेपाटिक माने आपण माने लिवर रिलेटेड जाणी सारे तो लिवर रिलेटेड आ भितर कौ डिजीजटा हो देखा जंडिस लिवर रिलेटेड यूट्रिक कैरिया आपण माने जाणी नथिबे मु आपण माने बुझे देबी कौन यूरेमिक फ्रोस्ट का कहती ह्यूमन जियोमा यही चार्टा जिनस भितर कौ जिनसटा कौन मोस्ट एप्रोप्रिएट आसतु देखा ये देखी यूट्रिक एरिया रे कौन अच्छी व्हाट कजेस यूट्रिक एरिया अकर्स व्हेन ए ट्रिगर कजेस हाई लेवल्स ऑफ हिस्टामिन्स एंड अदर केमिकल्स मेसेंजर्स टू बी रिलीज्ड इन द स्किन आपण माने जानिथिबे कि आपणकर जेतेबेले हिस्टामिन रिलीज अधिक हुए आपणकर स्किन रे रैशेस हो जाए तापई आपण एंटी हिस्टामिन खाती लिवोसेट्रिजिन हो सेट्रिजिन हो तो सेटा को आपण मानकर केबे हेले लिवर कुमारे जीवन नाही
दिस सब्सटेंस कॉज द ब्लड वेसल्स एंड अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन टू ओपन अप ऑफन रिजल्टिंग इन रेडनेस एंड पिंकनेस एंड बिकम लिकी आपण माने एठी देखंतु एटा उठे एलर्जी टाइप रो जोटा कि आपण को रिवर्ट सहित किछि भी सामान्यंश नाही। नेक्स्ट जीवा ए इमेजटा को भलसे देखंतु ए इमेजटा को देखिला पर आपण माने देखिबे व्हाइट व्हाइट पूरा सॉल्ट लाइक जिनस व्हाइट रो जोटा कि पूरा बॉडी सारा अछि मुह सारा अछि आपण मन को इमेज भलसे देखिया पय चाहूची एठी देखि नियंतु आकु कोन कहंती यूरिमिक फ्रॉस्ट। यूरिमिक फ्रॉस्ट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर एजोटेमिया व्हेयर टाइनी येलो व्हाइट यूरिया क्रिस्टल्स डिपॉजिट ऑन द स्किन रिजल्टिंग इन ए फ्रॉस्टेड अपीयरेंस एज स्वेट इवापोरेट्स। आपण माने जानिथिबे कि आपण माने भी फील करिथिबे जेतेबेळे आपण मानकर एक्सेसिव स्वेटिंग हुए आपण जदि कांधरे गोटे बैग पकेथिबे से बैग जो जगार थिबो से जगार व्हाइट व्हाइट सब सॉल्ट लाइक माने एक्सेसिव स्वेटिंग रु आपण स्पॉट रहि जाय तो सेही टाइप रो जिंस टोटल बॉडी रे जेतेबेळे देखा जाय ताकू कहंती यूरेमिक फ्रॉस्ट। एटा मध्य आउट ऑफ लिवर गला एटा मध्य होबो नाही। तापर आसला कोन एटी देखंतु हेमांजियोमा जोटा कि ऑप्शन डी रे थिला हेमांजियोमा को टाइप रो स्ट्रक्चर टोटल बॉडी रे गोटे गोटे पार्ट रे हे पारे जीभ रे हे पारे बॉडी भीतर भी हे पारे बॉडी ऊपर भी हे पारे स्किन हे पारे एई टाइप रो स्ट्रक्चर कोंती हेमांजियोमा जोटा कि आपण मानकर लिवर रिलेटेड किछि भी आर सामंजस्य नाही। आसंत देखिबा जॉन्डिस कोन जॉन्डिस आपण माने जानथिबे कि लिवर डिजीज तो देखंतु नॉर्मल गोटे मनीषर स्किन को टाइप रो थाए जेतेबेले जॉन्डिस हुए तार पर स्किन को टाइप रो हुए। एटी देखंतु सिम्पटम्स कोन सबु इचिंग हबो एब्डोमिनल पेन हबो वेट लॉस हबो वोमिटिंग हबो पेलर देन यूजुअल स्टूल हबो फैटिग हबो ड्रैग यूरिन हबो बुझी पाले। कॉजेस कोन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डॉग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डॉग हेमोलाइटिक एनीमिया देन गिल्बर्ट सिंड्रोम ए सब कारण आपनकर जॉन्डिस हबो। देन आपनकर पचला कोन लिवर कोमा आसंत देखिबा तार आ जॉन्डिस रो रिलेशन कोन एटी देखंतु दे दैछि तळे बहुत भलसे बुझे देची। लिवर फेल्युअर अकर्स व्हेन ए लार्ज पोर्शन ऑफ द लिवर इज डैमेज्ड ड्यू टू एनी टाइप ऑफ लिवर डिजॉर्डर लिवर कोमा था लिवर फेल्युअर केतेबळ हबो ना लार्ज पार्ट ऑफ लिवर जेतेबळ डिसफंक्शन हे जिवो तो सेइटा कोनोसी भी कारण हे पारे। सिम्पटम्स मे बी इंक्लूड इठी देखि परथबे एटा कोन देची जॉन्डिस से जॉन्डिस भी हे पारे। तो आपण मानकर जो कहितला लिवर कोमा कोन पई हेई पारे बा से साइन सिम्पटम कोन देखै पारे जॉन्डिस भी हेई पारे राइट आंसर पाई गले। नेक्स्ट जीवा नौ नंबर क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट आउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट अर्थात ए चारिटा भितरु लाइव वैक्सीन तीनटा अछंदी गोटे जे कि किल्ड वैक्सीन अछि से वैक्सीन ना कोन ऑप्शन ए टाइफाइड ऑप्शन बी ओरल पोलियो ऑप्शन सी बीसीजी ऑप्शन डी मिजिल्स। आपण माने इम्युनाइजेशन क्लास करिछंती जदि करनांदी जल्दी जल्दी कर दियंतु आपण मानन को कहिछि प्रीवियसली इम्युनाइजेशन इज द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पार्ट सेथुरु आपण 2 रु 4 मार्क जेमिथले पाइबे ताकु आपण माने जमे भी इग्नोर करबेनी जे इम्युनाइजेशन शेड्यूल जो इम्युनाइजेशन शेड्यूल मु देछि सेही इम्युनाइजेशन शेड्यूल आपण माने मन रखंतु ताकु आपण माननकर बेडरूम रे लगेई रखंतु प्रतिदिन सोइला पूर्वर थरे देखंतु जेमिथले आपण माने 4 मार्क सेथुरु अक्वायर करिके आसिया कथा ही आसिबे ताकु जे इग्नोर करबे देखिबे आपण माने से क्वेश्चन आंसर आपण देइकि ही आसि परिबे नाही। तो आपण माने केमिति मन रखिबे आपण मानु ट्रिक कहली आपण मानु कोन इम्पोर्टेंट कहली काम रे परिणत करबा दायित्व होछि आपणकर बुझिपारे। आसतु देखा राइट आंसर जदि जो मैंने जानते जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु जो मैंने जाणी ना आसतु देखा राइट आंसर कौन हम ये देखूँ गोटे टेबुल अच्छी जो थे लाइव वैक्सीन आउ किल्ड वैक्सीन दुटा को अच्छी आपण मैंने देखनी ऑप्शन भितर लाइव वैक्सीन दिखाई एक्सेप्ट किए आपणकर ऑप्शन ए बीसीजी थी मिजिल्स पोलियो तीन टाला कौन नाला टाइफएड नाला यही टेबुल तले देखते गोटे टाइफएड लिखाई तो राइट आंसर कौन हम टाइफएड जो मैंने भी चाहूँ ये टेबुलटा को मन रखापी स्क्रीनशॉट नहीं जातु आपण मैंने नोट कर रखु कि कौटा किल्ड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड एंड सबनिट वैक्सीन आउ लाइव वैक्सीन किए यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी आपण मैंने मन रखु ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 10 नंबर क्वेश्चन आ मोस्ट कॉमन आ मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आर आंसर समस्त मुझे आशा करूँ ठीक अच्छे। द नॉर्थ व्हिच हेल्प्स इन स्मेलिंग मुझे आपदी
এই ভিডিওরে মু আপন মানক অলরেডি কই সাচি আর আনসার কোন হবো জলদি জলদি রাইট আনসার কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কর দিন্তু অপশন এ অপটিক নর অপশন বি অকুলোমোটর নর অপশন সি অলফ্যাক্টরি নর অপশন ডি ফেসিয়াল নর জলদি জলদি কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কর দিন্তু আর রাইট আনসার কোন হবো 10 নম্বর দ্য নর হুইচ হেল্পস ইন স্মেলিং অর্থাৎ আপনকু স্মেল করিবারে যো নরটা আপনকু হেল্প করে সে নরর না ক আসন্তু দেখিবা এটি দেখি নিয়ন্তু ক্রানিয়াল নার্ভ দেইছি ফাস্ট ওয়ান কোন না অলফ্যাক্টরি কোন পাই না স্মেল পাই এইটু আনসার পাই গলে তো আপনমন কোয়া হউচি 12 ক্রানিয়াল নার্ভর পুরা নেম মনে রাখিবে সে কোন কম্পোজিশন কোন সেন্সরি না মোটর না বোথ দেন তার কাম কোন এই জিনিসটাকু আপনমনকু মনে রাখিয়া পাই পড়িবো আও এইটাকু আপন মানে নোট করে রাখন্তু টোটাল এইটাকু পুরা ঘুষি দেবে পুরা মনে রাখি দেবে টোটাল 12 ক্রানিয়াল নার্ভ ফার্স্ট অলফ্যাক্টরি সেকেন্ড অপটিক থার্ড রে অকুলোমোটর ফোর রে ট্রোক্লিয়ার পাঁচ রে ট্রাইজেমিনাল ছ রে আবডুসেন্স সাত রে ফেসিয়াল আট রে ভেস্টিবুলো কোক্লিয়ার দেন ন রে রহিলা গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল দশ রহিলা ভাগস এগার রহিলা আসেসোরি বার রহিলা কোন হাইপোগ্লোসাল জলদি জলদি এইটাকে সব মনে রাখতু কাইকি না এক্সাম পাখেই আসলাম কেবে এক্সাম হব সে রিগার্ডিং গোটে ডিফরেন্ট ভিডিও নিয়ে আসবি আপনার জমাই ব্যস্ত হতুনি ঠিক আছে তো আপনার বহুত 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 থ্যাংক ইউ আপনার বহু সারা ভাল পাই দেছেন এমতি ভিডিও ভাল পাঁত ভিডিও যদি ভাল লাগুচি গোটে লাইক করতু সেয়ার করতু সবসক্রাইব করা জমারে ভুলতুনি হ্যাঁ আপনার যদি চ্যানেলকে সপোর্ট করা চাহুন সপোর্ট করা চাহুন দেন আপনার পাখে এটি গোটে নম্বর দিয়া হয়েছে গুগল পে পেটিএম ফোন পে নম্বর আপনার আজ পর ইয়ার ক্যাপাসিটি আপনার সপোর্ট করে পেয়ে তাপরে জয়েন টেলিগ্রাম আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যদি এপর্যন্ত হয়ে না জলদি জলদি জয়েন করে যাতে আপনার কিছু বি কষ্ট দেওয়া পড়বে না ফ্রি অফ কষ্ট আপনার পাখে সবুকিছু ইনফরমেশন জলদি পৌঁছে যাব থ্যাংক ইউ।